दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई आपको कभी पसंद करेगा, या कभी आपने इमेजिन किया है कि कोई कभी आपकी ओर अट्रैक्ट भी होगा? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कोई आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होगा, बट शायद आप गलत हो सकते हैं। हम अपने फेशियल फीचर से इतने ज़्यादा यूज्ड हो जाते हैं कि हम अपने अंदर की स्पेशल क्वालिटीज़ को नहीं देख पाते, लेकिन ये सेम लुक जो आपके सामने है, ये किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको ऐसे साइंस के बारे में बताऊंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, बिलीव इट और नॉट। सच है, हमारे लिए यह मान लेना आसान है कि हमें तारीफ नहीं मिलती, क्योंकि हम उतने अच्छे नहीं दिखते जितना हमने सोचा था। लेकिन ये आपकी थिंकिंग के बिल्कुल ही अपोजिट हो सकता है। आपको लगता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि सभी की निगाहें आप पर रहेंगी, लेकिन एट द एंड जब आपको कोई तारीफ नहीं मिलती तो आप सोचने लगते हैं कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है। लॉजिकली ढेर सारी तारीफ मिलने का मतलब कि आप गुड लुकिंग है, राइट? लेकिन ये साइकोलॉजी का एक अलग प्रोस्पेक्टिव है। जब हम किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें बहुत अधिक सेल्फ स्टीम है। एज अ रिजल्ट हम उन्हें रियलिटी में कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या हम उन्हें कम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वह पहले से ही जानते हैं कि वे कितने खूबसूरत हैं। जैसे कि हर कोई जानता है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट की कमी के कारण कभी भी अपने आप को ये सोचने ना दें कि आप कम अट्रैक्टिव पर्सन हैं। आप जितना सोचोगे उससे अधिक ज़्यादा खूबसूरत आप दिखते हैं। नंबर टू, यू गॉट लॉट ऑफ आई कॉन्टेक्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें हमेशा बताती है कि हम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। इसीलिए अगर कोई आपको थोड़े समय के लिए भी देख रहा है तो इसका मतलब दे लाइक व्हाट दे सी एंड दे थिंक यू आर अट्रैक्टिव। जब कोई मुस्कुराते हुए आपको डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट करता है तो इट कैन कन्वे द स्ट्रॉन्ग इमोशन फॉर यू। इसे आपके साथ कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करने का एक सबकॉन्शियस अटेम्प्ट माना जाता है। नंबर थ्री, एवरीवन अराउंड यू इज हैप्पी। जब कोई व्यक्ति किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखता है तो देयर ब्रेन हिट्स देम विद डोपामाइन, ठीक उसी तरह जैसे आप एक अच्छी पेंटिंग को देखते समय महसूस करते हैं। किसी के लिए भी उस स्ट्रेंजर्स पर स्माइल करना बहुत कॉमन है जो उन्हें अट्रैक्टिव लगते हैं, रेदर देन कि उन पर जो उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगते। इसीलिए इफ़ यू नोटिस कि सड़क पर आपके पास से गुजरने वाले ज़्यादातर लोगों से आपको एक फ्रेंडली स्माइल मिलती है, सो द चांसेस आर दैट दे फाइंड यू अट्रैक्टिव। नंबर फोर, ग्रेविटेट टूवर्ड्स यू, स्ट्रेंजर का टेंशन। कैप्टिवेट करने के अलावा यू नोटिस कि बहुत से लोग आसानी से आपके पास आते हैं एंड दे ट्राई टू क्लोज यू टू नो यू बेटर। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि वे आपको अट्रैक्टिव पाते हैं एंड दे एडमायर यू द वे यू कैरी योरसेल्फ। कुछ लोग तो लेटर लिखने जैसे फेवर भी कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज फन टू फ्लर्ट विद अ क्यूट स्ट्रेंजर। नंबर फाइव, अदर मे एक्ट डिफरेंटली अराउंड यू। क्या आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों को नर्वस करते हैं? जब आपने कभी पहली बार किसी को प्रपोज किया था तो वे आपको टेंस्ड और कंफ्यूज लगे हैं। अट्रैक्टिवनेस इंटिमिडेटिंग हो सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास आपको शांत रखना मुश्किल हो सकता है जिसे आप पसंद करते हैं। जब आप अन्य लोगों को अपने आसपास अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं तो इसीलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि वे आपको अट्रैक्टिव पाते हैं और वे नहीं जानते कि आपसे कैसे बात की जाए। नंबर सिक्स, यू आर प्रिटी फोकस्ड ऑन लिविंग अ लाइफ फॉर योर सेल्फ दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ। आप अपने लिए एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिस पर आपको गर्व है। आप फ्री इंडिपेंडेंट हैं और आप अपने टर्म पर अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि अपने सपने को पूरा करने का जुनून रखने वालों से ज़्यादा कोई भी अट्रैक्टिव नहीं होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आपको जल्दी ही।